सर आप भी मौजूद हैं, आफ्ताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आई लाइक टू आस्क कि व्हाट्स योर टेक, ये जो इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया है उसके ऊपर, लाइक नॉट अ डिस्कशन बट व्हाट इज़ योर टेक। और आफ्ताब साहब आपसे भी पूछूंगी आफ्टर FSJ। अच्छा, एक तो मैं क्योंकि फॉलो कर रहा था इसको पूरे केस को, तो पहले तो यही बात होती रही कि ये फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है जी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है, प्रोहिबिटेड फंडिंग है। दोनों में डिफरेंस है। फॉरेन फंडिंग जो है ना वो होती है फॉरेन एडेड पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको कि कोई गवर्नमेंट जो है फॉरेन गवर्नमेंट या कोई फॉरेन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही हो फॉर देयर पर्पस, कि वो इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हों, वो कुछ कर रहे हों, वो इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हो। तो ये ममनुआ फंडिंग का केस था। जो डिसीजन आज आया है उसमें बहुत ज़्यादा सुकम है। वो 68 पेज का डिसीजन है, मैंने पूरे के पूरे 68 पेजेस आज पढ़े हैं। उसमें इतनी हिलेरियस चीज़ें कि एक मियाँ बीवी, एक कपल सिंगापुर में, और उनका जॉइंट अकाउंट है। साहब जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और ड्यूल नेशनल हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है और अमेरिकन नेशनलिटी भी है। उनकी वाइफ जो है वो इंडियन ऑरिजिन की थी और अब वो अमेरिकन नेशनल है जी, ठीक है ना। उनके क्योंकि इंडिया ड्यूल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता, उन्होंने $27,000 भेजे। ओके, ECP ने कहा क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है तो आधे उसके हैं और आधे उसके हैं, तो जो आधे बीवी के बंदे हैं वो जो है वो ममनुआ फंडिंग है बिकॉज ही इज़ नॉट अ पाकिस्तानी, ठीक है ना। इस तरह करके उन्होंने किया। आरिफ नकवी का जो केस है उस पर ये हमें जानना चाहिए कि ये जो पीरियड है ये 2008 से लेकर 2012 तक का पीरियड था। नंबर 1, उस वक्त जो है कोई कदगन नहीं थी ऑन फंडिंग फ्रॉम ए कंपनी। अगर वो कंपनी यहाँ ऑपरेट नहीं कर रही तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये 2017 में जाके एक्ट अमेंड हुआ और उसमें ये आया कि जी कंपनी से आप फंडिंग नहीं ले सकते। आरिफ नकवी ने एक डिनर किया, उस डिनर में लोग आए, उन्होंने डोनेशंस दी, वो डोनेशन उनकी कंपनी में गए अकाउंट में और वहाँ से उन्होंने भेज दिए। यही आरिफ नकवी हैं जिन्होंने 1 मिलियन पाउंड जो हैं वो प्रिंस चार्ल्स को भी दिए हुए हैं एज ए डोनेशन उसके ट्रस्ट में, ठीक है ना। UK में कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर ECB ने कहा, बाकायदा लिखा है कि क्योंकि वो 2019 में उनके पर केस बना अबराज पे, आरिफ नकवी पे, और वो भी केस बनाया भी, कोई जो है उसका फैसला नहीं हुआ। ECP ने उसको डिक्लेयर कर दिया फ्रॉड और वो सारा कुछ कर दिया। तो मतलब अजीब सी, मैंने मेरे हिसाब से मैंने ट्वीट भी किया और मैंने कहा बदनीयत ही नहीं ना लायक भी, इसमें नालायकी बहुत ज़्यादा है इस डिसीजन में। बदनीयती तो है ही है बट नालायकी बहुत ज़्यादा है। आफ्ताब साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इनके साथ ऑलमोस्ट 100% एग्री कर रहा हूं कि ये, लेकिन मेरी बात शुरू वहां से होनी है जहां इनकी बात खत्म हुई है। पहले तो मैं वो एग्री कर लूं कि वाकई नालायकी नहीं है, बेइंतहा नालायकी है। और ये एक अगर डिसीजन को देखा जाए उसके अंदर जो सुकून है, इत्तफाक से मैंने भी वो चीज़ें देख ली हैं, सारी नहीं देखी हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स देखे हैं, यानी उसका जो कॉमेडी पार्ट है ना उसके ऊपर बाकायदा हंसी आती है। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। FSJ बात शुरू यहीं से होती है कि जब कोई तुल जाए ना कि उसने आपका खेल बिगाड़ना है। आपका खेल से मुराद PTI का खेल नहीं है, पाकिस्तान का खेल है। जब कोई तुल जाए कि उसने गंद डालना है तो वो फिर ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। इस केस में इतनी ही जान थी जितनी कि हमजा शहबाज के केस में थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर भी किया। और ये एक सोचे समझे प्लान के तहत ये सिलसिला चल रहा था। पहले एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, बिल्ड किया गया, फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी एंड टाइम पे आई, उसके बाद ये एक हैंगिंग सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो थी वो इमरान खान के ऊपर लटकती रही बड़ी देर तक। अब ये इन्होंने कर दिया है। अब ये फायर जब तक ये नहीं था उस वक्त तक इसका डर ज्यादा था, अब ये सामने आ चुका है और उसके अंदर की जो कमजोरियां हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन साथ ही साथ नीयत भी सामने आ चुकी है कि जो ये काम डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है ना, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अब ये तो है इसके ऊपर एक डिस्कशन के ये अगर इस हद तक मज़का खेज स्क्रिप्ट के साथ ये मामला हो सकता है तो इसका मतलब है उसूल कानून कायदा उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं। ये होगी यहाँ तक बात। अब होना क्या है $1 मिलियन क्वेश्चन डॉक्टर अरूबा, ये नहीं है कि इसके ऊपर आपके कमेंट्स क्या हैं, वो तो सब ने सुबह से लेकर शाम तक कर ली है। जब ये अपलोड होगा उस वक्त तक ऑलमोस्ट 22 घंटे हो चुके होंगे इस वाक्य को। मैं समझता हूं इस सानहे को, ये भी एक तरह का मिसकैरेज है हमारे सिस्टम के अंदर जो जो कुछ हो रहा है ना। लेकिन अच्छा है जब गंद एक दफा डलता है ना तो उसका फायदा ये है कि पूरे का पूरा सिस्टम जब आपने साफ करना हो तो जो मौजूदा गंद है उसको डिटॉक्स, ये डिटॉक्स के प्रोसेस में से हम गुजर रहे हैं, इसलिए वी हैव टू बेयर विद इट। अब होना ये है कि ये उठाकर सुप्रीम कोर्ट में, देखिए चैलेंज तो हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सबसे आम बात यह कि एक तो अबराज के तहत जो कुछ हुआ या जिस कानून के तहत भी हो एक रिट्रोस्पेक्टिव चीज होती है। रिट्रोस्पेक्ट में कानून लागू नहीं होता। एक कानून जो उस वक्त मौजूद नहीं था, उस वक्त ये सो कॉल्ड क्राइम कमिट किया गया है, बेकायदगी मिसकंडक्ट अगर मान लिया जाए हुआ है तो उस वक्त जब ये कानून ही नहीं था तो इसका सर पैर ही कोई नहीं। कानूनदान जो होते हैं, जज साहबान जो होते हैं, वो प्योर कानून की जबान देखते हैं। उस हवाले से एक मोटी सी बात है कि इनका केस इंतहाई फ्लिम्जी हो जाता है, फ्रिवलस हो जाता है, एक चीज। दूसरा देखें इसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट यह है कि वो तलवार जो पहले इमरान पे लटक रही थी अब दूसरों पे लटकने लग गई है, क्योंकि इमरान का तो मामला निकल गया बीच में से, चलो उसको शो कॉज नोटिस सर्व हो गया मामला। दिलचस्प बात यह है कि इमरान ने तो लातादाद, पीटीआई ने लातादाद सफ़ों पर मुश्तमिल अपने खाते डेटा फराहम कर दिया है। पीपल्स पार्टी के पास पता है कितना डेटा है? 0। एक लफ्ज नहीं है उनके पास, एक हरफ नहीं है, एक फिगर नहीं है जो इस डिटेल पे पूरा उतरता हो कि जी आपने जो फंडिंग ली है ये कहां से आई। छोटा मोटा हिसाब किताब इनका भी है, पीएमएलएन का वो भी है, लेकिन वो उशरे अशीर भी नहीं है जो रिक्वायरमेंट है इन द गिवन केस। फजलुर्रहमान साहब के मामला और मसाइल भी अपनी जगह, ये तो है उसका एक दूसरा एस्पेक्ट। और उसका एक नेट रिजल्ट देख लीजिए, ये सादिक और अमीन की बात कर रहे हैं, आपने देख लिया होगा कि $1,33,000 इस फैसले के बाद वो आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? वो $1,33,000 जो है, जरा उस पर गौर कीजिएगा कि पीपल आर देयर टू सपोर्टिंग द कॉज ऑलरेडी। इमरान खान ने जब भी किया है, बेचारे ने चंदा लेकर किया, हॉस्पिटल बनाया, पार्टी बनाई है, जो कुछ भी किया है, उसको किसी और ने क्या कॉज को वो करना। ये इस तरह की बातें ये चलती रहती हैं, लेकिन ये कहना कि वो सादिक या अमीन नहीं है तो ये फिर एक हाइट होगी आपके हुस्न तलब की। मुझे जो सूरत हाल जाती नजर आ रही है ना, वो है आने वाले दिनों में होना क्या है। अगर बाज लोगों का ख्याल है, बाज लोगों की ख्वाहिश है कि कत्लो गारत हो, खूनरेजी हो, इंटरवेंशन हो बाहर से अंदर से हर तरफ से, हमारी जगह साई पहले जितनी होनी थी होली, बहुत अच्छे पॉइज के साथ, बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ इमरान खान भी अपनी सिचुएशन को देख रहा है। इमरान ने किसी भी वक्त कानून को अपने हाथ में लेने का कोई छोटा सा इशारा भी नहीं दिया। उसने मैक्सिमम जो बात आज तक की है, जो थोड़ी सी एग्रेसिव लगी हुई है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हालात मेरे इख्तियार में नहीं रहेंगे, फिर अच्छे रहोगे। अब ये भी अगर देखा जाए तो इसमें एक बड़ी सुलझी हुई वार्निंग है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मशवरे इमरान को दोस्त देना चाहते थे, इमरान को पहले ही इसका इदराक है कि वो सब कुछ नहीं होगा। बात बतदरीज, धीरे धीरे लेकिन बतदरीज इलेक्शंस की तरफ जा रही है। अक्टूबर में बज़ाहिर इलेक्शन हो जाएगा और अक्टूबर में ही होना चाहिए। अगर इलेक्शन अक्टूबर में होता है तो उससे पहले लास्ट डिच एफर्ट ये इमरान को नाअहल करवाने की, उसकी पार्टी को मिलान करने की ये जारी और सारी है। ये पहले भी होती रही है, अपेरेंटली अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि मेलाफाइडी है, साफ पता चलता है मेलाफाइडी है, इसका कोई सर पैर नहीं है। मुझे यूं ही लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसे उठा के कूड़ेदान में फेंक देगी।